अभी जैसे आपने मुझे कहा कि आप अपना ध्यान रखिए, योग कीजिए और मैं आपके लिए दवाएं भिजवाऊंगा, ये जो स्नेह है, ये लगाव है, जो लोगों को ये पर्सनल टच देने वाली बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में जब अपनों से भी दूर हो जाता है आदमी, आइसोलेटेड हो जाता है, उसको अकेले रहना पड़ता है, तब ऐसे में ऐसे ऐसे स्नेह का एहसास होता रहे, ये बहुत आवश्यक बात है ये। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो हॉस्पिटल आपने शुरू किया उत्तराखंड सरकार के साथ, इसमें एलोपैथी सेंटर में होगी, बाकी चीज़ें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर होंगी, या जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसके ज़रिए आप मुख्य तौर पर चीज़ें यहाँ पर होने देंगे और एलोपैथिक ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा यहाँ? एलोपैथी सपोर्टिव होगा, मेन होगा लोगों को उनके उनके अंदरूनी ताकत को बढ़ा करके और उनको ये सब चीज़ों का सपोर्ट दे करके, न्यूट्रिशियस आहार दे करके, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, नेचुरोपैथी और ये सारी उनको दिनचर्या में सुधार रखे। सबसे बड़ी बात है भय मुक्त करके। दिनेश भाई, इतना बड़ा चारों तरफ खोप का मंजर है, लोगों में इतनी नेगेटिविटी भर गई है, ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, एक साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। सारे केमिकल, सारे सोर्स, सारे हार्मोन, सारे वो स्टीराइड, वो एंटीबायोटिक्स जो हम बाहर से ले रहे हैं, वो सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स आपके भीतर हैं। आप जब पॉजिटिव होते हैं तो बॉडी आपको सपोर्ट करता है, आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है, आपकी सोल आपको हील करती है, आपकी ब्रेथ आपको हील करते हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, डरो मत, और जो परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको ताकत दी, उस ताकत को जानो, उस ताकत को जगाओ, उस ताकत को उपयोग में लाओ, ये सबसे बड़ी बात है। भय के कारण से बहुत लोग मर रहे हैं, जो डरा वो मरा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपने इमोशनल टच की बात की, मैं ये कोई आपसे प्रेम करता हूँ गौतम भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हमने यहाँ 150 पेशेंट का ये हॉस्पिटल है, फिर अभी 150-200 का दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ 150 लोग हमने इनकी देखभाल के लिए लगाए कि लोगों को घर जैसा जो है, उनको एक स्पिरिचुअल जो है, एक रिलीजियस, एक उनको एक आत्मीय संबंध, एक इमोशनल टच मिलना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए उनको कि मैं ठीक हो जाऊँ। और ऐसे नहीं कि अछूतों की तरह जो है उनको खाना फेंक दिया, पानी फेंक दिया, बहुत बुरी हालत है। इस चीज़ से हमें देश को बाहर निकालने की ज़रूरत है इस समय, कि लोगों को बहुत प्यार से हम बाहर निकालें। ऐसा कोई कोरोना कोई बहुत बड़ा एटम बम नहीं है, आदमी से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, बस आदमी अपनी ताकत को जाने और उसको अपने आप को भी बचा के रखे और अपनों को भी उभारने के लिए, या जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत प्यार से लोगों के साथ हम बर्ताव करें तो आधे लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। दिनेश भाई, वाकई, और जिस तरीके से आपने संदेश लोगों तक पहुंचाया है, अभी TV9 भारतवर्ष के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मनोबल पर बहुत सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं और समझना चाहता हूं, एक क्विक रिकैप, क्योंकि आपने वक्त वक्त पर लोगों को जो बताया है स्वस्थ रहने के लिए, छोटे तौर पर या बड़े तौर पर लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन, और अगर हो जाए तो उस दौरान और उसके बाद क्या क्या करें, वो ज़रा अगर आप बता देंगे एक बार फिर से तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक तो दिनचर्या आपने बहुत अच्छे रखे हैं दिनेश भाई, जितना हो सके आप जो यूनिवर्सल लॉ है, जो नैसर्गिक न्याय है, प्रकृति की जो एक चक्र है उसका पालन करें, हो सके सुबह 4-5 मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाएं, रात को 10-11 बजे तक सो जाएं, और उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन करें। जो ओबेस के हैं वो गोधन अर्क भी लें। आजकल जो है एक बात और बता दे, ब्लड थिनर के रूप में भी बहुत बेकार चीज़ें ले खा रहे हैं लोग, तो इसमें सबसे अच्छा ब्लड थिनर होता है गोधन अर्क, दूसरा होता है लौकी का जूस, लहसुन, तीसरा प्याज, चौथा और ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये हार्ट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है और ब्लड थिनर के रूप में भी बहुत ज़बरदस्त है, इनका इस्तेमाल करें। तो सुबह उठ कर के जो मेरी तरह से दौड़ लगा सकते हैं, मैं रोज़ लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, फिर पुशअप लगाता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक पसीना निकालता हूँ, और इसीलिए मैं जो है 50 पार होकर के भी 25 ईयर्स मेरा जो है बायोलॉजिकल एज है। ऐसा अपने आप को फिट रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, सात्विक आहार लें, और सबसे बड़ी बात है अपनी दिनचर्या में सुबह नाश्ते में कभी अंकुरित, कभी कोई फल, कभी जौ का दलिया, कभी मिक्स मल्टीग्रेन दलिया, ये जंक फूड फास्ट फूड से बचें।
खाने के ऑटो में रखें, पहले सलाद और फल आदि खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं, खाने के एक घंटे बाद पानी पिए, सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध का सेवन करना चाहिए, रात को दही छाछ का सेवन न करें। खाना कम मात्रा में खाएं लेकिन पौष्टिक न्यूट्रिशियस खाना खाएं और अन्न को ब्रह्म मान करके खाएं। छोटी छोटी बातें, सुबह कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम, जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो शीतली शीतकारी, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले में बहुत दिक्कत है, खांसी बहुत होती है, उनको यद्यपि मैं कहता हूँ चने का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चने का ही वो रोटी खाएं, चने का ही जो है भुने हुआ चना खाएं, और खजूर कल्प में बोलता हूँ, और कुछ ना खाएं, और जब भी बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ जाए तो लवंग आदि ले लें। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान दें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत के अलावा जिनके गले खराब हैं वो उज्जाई करें, छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, सूर्य नमस्कार करें, फिर अलग अलग आसनों के लिए आजकल तो YouTube पर सब कुछ उपलब्ध है, कई बार TV9 भारत पर समय भी मैंने बोला हुआ है, अपनी बीमारी के लिए कम से कम 5 आसन कर लें, बस इतना कर लेंगे तो कोई आदमी ना तो कोरोना से मरेगा ना कोई किसी बीमारी से, सब पूर्णायु और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। दिनेश भाई, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।